का नाम है नंबर्स अप टू 9999। हमने आगे देखा कि 9999 तक के नंबर कैसे होते हैं, उसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, उसको कंपेयर कैसे करते हैं, फिर उसमें प्रिडिक्सर सक्सेसर ग्रेटेस्ट कौन सा है स्मॉलर कौन सा है वो सब हमने देख लिया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि किसी भी डिजिट के द्वारा हम नंबर को फॉर्म करेंगे और उसमें सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा हमें फाइंड करना है। तो एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, आई हैव 3 डिजिट यानी कि मेरे पास 3 डिजिट है, कौन कौन सा 3, 4 और 5। तो इन तीनों डिजिट को मिला के मैं सबसे छोटा 3 डिजिट का और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगी। तो टू गेट स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें जब छोटा डिजिट चाहिए तो उस डिजिट को हमें जब छोटा नंबर चाहिए तो उन तीनों डिजिट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो उसके हिसाब से हमें छोटा डिजिट मिलेगा और हमारा छोटा डिजिट यहाँ पे कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, 345। फिर आता है टू गेट ग्रेटेस्ट नंबर वी अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो हम डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके हिसाब से सबसे बड़ा फिर छोटा और छोटा वैसे। तो सर ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का, 543। तो आप लोगों को पता चला कि अगर 2 डिजिट में हमें स्मॉलर और ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। स्मॉलर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो असेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, लेट अस टेक 4 डिजिट यानी कि 4 डिजिट का मैंने नंबर लिया होगा 6, 7, 8 और 9। तो उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6, 7, 8 या 9 यानी कि 6799, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9876। तो ऐसे 4 डिजिट में होते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ 4 डिजिट का, लेटेस्ट है 4 डिजिट 1, 0, 5 और 7। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 0, 1, 5, 7 यानी कि 157। लेकिन यहाँ पे जीरो मीन्स क्या है, जीरो मीन्स नथिंग यानी कि जीरो मीन्स कुछ नहीं होता। तो ये जीरो हटा देते हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट रह जाते हैं, यानी कि ये नंबर है 3 डिजिट का हो जाता है और हमें तो 4 डिजिट का परफॉर्म करना है यानी कि फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमें 4 डिजिट का। तो हमने क्या लिया था, यहाँ पे 4 डिजिट लिया था और सबसे छोटा नंबर था और उसमें जीरो था, तो वो जीरो है वो उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, तो ये 3 डिजिट का नंबर रह जाता है। फिर इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1057 यानी कि 1057। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वैसे ही नंबर लिखेंगे क्योंकि जब जीरो कोई भी नंबर के पीछे लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो द डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 7510। स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करेंगे और ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक है इवन एंड ओड नंबर यानी कि बहुवचन और एकवचन, यानी कि नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 इन वंस प्लेस आर इवन नंबर। इवन नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जब वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो उसे इवन नंबर बोला जाएगा। और उसका एग्जाम्पल क्या है, 10, 72, 66, 784, 558। इन सभी नंबर में हम देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल में वंस के प्लेस पे 0, 2, 6, 4 और 8 ये सभी नंबर से वो वंस के प्लेस पे आएंगे, तो उसको कैसे बोला जाएगा, इवन नंबर बोला जाएगा, यानी कि ये सभी नंबर कौन से है, इवन नंबर। फिर है नंबर्स विद 1, 3, 5, 7, 9 इन द वंस प्लेस आर ओड नंबर, यानी कि वंस के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 नंबर रहेगा तो उसे ओड नंबर बोला जाएगा। एग्जांपल है 33, 87, 19, 831, 455, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी नंबर के
डिजिट में वंस के प्लेस पे 3, 7, 9, 1, 5 है, ये सभी के अंदर चल रहे टी है और नंबर। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको नोटबुक पर लिखनी है कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि किसी भी दो ऑड नंबर का हम सम करेंगे तो वो ऑलवेज इवन होगा, यानी कि हमेशा इवन ही होगा। किसी भी दो नंबर ले लो उसका इवन ही होगा। एग्जांपल क्या है तो 25 + 33, यानी कि ये दोनों ऑड नंबर है, यहाँ पे 5 है वंस की प्लेस पे, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 3 है, तो ये दोनों ऑड नंबर है तो उसका सम क्या होता है 58, यानी कि इसकी वंस की प्लेस पे 8 है और 8 के अंदर सत्रह की वो इवन नंबर है। फिर दूसरा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि किसी भी दो इवन नंबर को ले लो ऑलवेज इवन होता है, यानी कि हमेशा कोई भी ले लो वो इवन ही होता है। तो एग्जांपल क्या है 8 + 64, यहाँ वंस की प्लेस पे इवन है, यहाँ पे 64 यानी कि ये वंस की प्लेस पे 4 यानी कि वो इवन नंबर है और उसका सम क्या होता है 72 और यहाँ वंस की प्लेस पे 2 है वो भी क्या दर्शाता है इवन नंबर, यानी कि कोई भी दो इवन नंबर का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इवन नंबर ही मिलेगा। फिर तीसरा है द सम ऑफ एन ऑड एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, यानी कि किसी भी ऑड नंबर और इवन नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो हमें हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19 यानी कि 9 वंस के प्लस पे क्या है 9 है, तो वो कौन सा दर्शाता है ऑड नंबर दर्शाता है। फिर आता है 46 यानी कि 6 है वो यहाँ पे उसके पास की प्लेस ये है तो वो क्या दर्शाता है इवन नंबर। तो ओड प्लस इवन इज इक्वल टू क्या आता है 65, यानी कि 5 है वो ओड की वंस की प्लेस है तो वो ओड नंबर हो गया। तो कोई भी ओड और इवन नंबर का हम सम करेंगे तो हमें क्या आएगा ओड नंबर ही आएगा। फिर मैंने यहाँ पे कुछ होमवर्क लिखा है जो आपको नोटबुक में करना है, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड राइट इट्स इवन और ओड, यानी कि यहाँ पे जो कुछ डिजिट दिए होंगे उसमें आपको नंबर फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, फिर उसके बाद वो नंबर ओड है और इवन है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिया है कि फर्स्ट है 1, 7, 5 और 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, हमें उसमें लिखना है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1, 2 और 5, 7, यानी कि 1257, तो उसके लास्ट में कौन सा नंबर आता है 7, यानी कि वो क्या हुआ ऑड नंबर हुआ। फिर ग्रेटेस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम नंबर को लिखते हैं तो वो ग्रेटेस्ट बन जाता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आता है 7, 5, 2 और 1, यानी कि 7521, तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 1 है तो वो नंबर कौन सा हो गया ऑड हो गया। तो यहाँ पे और 4 एग्जाम्पल है जो आपको होमवर्क पे नोटबुक में सॉल्व करना है। फर्स्ट है 5046 2934 0683 और 9172, ये 4 आपको होमवर्क में करना है।